मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी के कोटे से दो सांसद मंत्री बने, जिसमें राम मोहन नायडू केंद्रापुरी और कैबिनेट मंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर पेमासानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राम मोहन नायडू 36 वर्ष की उम्र में कैबिनेट मंत्री बने हैं। 13 जून को जब कार्यभार संभाला तो उनके दो वीडियो सोशल मीडिया पर खूब घूमने लगे। पहला, पदभार संभालने से पहले राम मोहन नायडू ने 21 बार ओम श्री राम लिखा, उसके बाद पदभार संभाला। दूसरा, इस दौरान पदभार संभालने के बीच में वो किसी से फोन पर बात करते नजर आए। हालांकि वीडियो में किससे बात कर रहे थे ये तो नहीं पता चला, लेकिन इतना कहते हुए जरूर सुना जा सकता है कि थैंक यू थैंक यू। दोनों वीडियो की खूब चर्चा है, लोग राम मोहन नायडू की भी खूब तारीफ कर रहे हैं। राम मोहन नायडू ने कार्यभार संभालते ही कहा कि वो सुनिश्चित करेंगे कि सामान्य व्यक्तियों के लिए हवाई यात्रा के जो दाम है वो कम हो सके, उनके किराए कम हो। राम मोहन नायडू ने क्या कुछ कहा है, पहले वो बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताते हैं कि आखिर राम मोहन नायडू हैं कौन। एज द सिविल एविएशन ट्रैवल एयर ट्रैवल इज बिकमिंग मोर एंड मोर अप्रोचेबल टू द कॉमन मैन एंड दैट हैज ऑलवेज बीन द मोटो ऑफ दिस गवर्नमेंट दैट द व्हाटएवर बेनिफिट्स दैट the government is providing that has to reach to the last mile, it has to have the last mile connectivity, it has to reach the poorest of the poor man, and definitely in our agenda we will make civil aviation or the air travel in this country more approachable to the common man of this country and more easily accessible, and that will be one of the priorities. So I'm stressing the word ease of flying, let it be in the sense of the comfort or the convenience or the safety, security, whatever aspects it comes regarding the passenger that is choosing air travel, we would make him the core of whatever planning or thought process we are going through today. Modi sarkar ke teesre karyakal mein kai purane chehre aur kai naye aur yuva chehre ko mauka mila hai. Mantri ke list mein sabse zyada charchit naam Ram Mohan Naidu ka hai. उनके उम्र महज 36 साल है, ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर राम मोहन नायडू हैं कौन। राम मोहन नायडू के बारे में आपको बताते हैं, राम मोहन नायडू केंद्रापू टीडीपी के 3 बार के सांसद हैं और 2014 से वह लगातार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं। नायडू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। 18 दिसंबर 1987 को श्रीकाकुलम में निमंडा में उनका राम मोहन नायडू का जन्म हुआ। वह पूर्व केंद्रीय मंत्री और टीडीपी के नेता येरन नायडू के बेटे हैं और दो भाई बहनों में छोटे हैं। शुरुआती पढ़ाई लिखाई श्रीकाकुलम से हुई। पिता जब सांसद बन गए तो वह पिता के साथ दिल्ली आ गए और आगे की पढ़ाई लिखाई आर के पुरम स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में उन्होंने की। इसके बाद वह उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका का रुख किया और पुर्डू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने लॉन्च आइलैंड से एमबीए किया और भारत लौटने से पहले 1 साल तक करीब उन्होंने सिंगापुर में नौकरी भी की। 2012 में उनके पिता येरन नायडू का सड़क हादसे में निधन हो गया। इसके बाद वह सिंगापुर से भारत लौट आए। पिता की मौत के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 26 साल की उम्र में श्रीकाकुलम से सांसद चुने गए। चंद्रबाबू नायडू के बेहद ही करीबी माने जाते हैं और राम मोहन नायडू को 2020 में संसद रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको ये भी बता दें कि राम मोहन नायडू के पिता भी सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बने थे। अब बात कर लेते हैं इनके संपत्ति की कि कितने संपत्ति है। MyNeta.info पर लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे के मुताबिक राम मोहन नायडू की नेटवर्थ 23 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब है, जबकि उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है। टीडीपी नेता और मोदी कैबिनेट में मंत्री राम मोहन नायडू ने शेयर बाजार में भी बड़ा निवेश किया है। चुनावी हल्फनामे के मुताबिक उनके पोर्टफोलियो में एक्सिस बैंक शेयर के अलावे इन्फाई शेयर, टाटा स्टील शेयर, TCS शेयर, जेल शेयर और जाइडस लाइफ शेयर से लेकर कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके शेयर उनके पास है। शेयरों में उनके इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो राम मोहन नायडू ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा का इन्वेस्ट किया है। राम मोहन नायडू के पास 1 करोड़ 45 लाख रुपए कैश हैं, जबकि उनके पत्नी के पास
करीब 2 लाख रुपए कैश है। इसके अलावा उनके और परिवार के अन्य सदस्यों के अलग अलग बैंक अकाउंट में करीब 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है। इसके साथ ही उनके और उनके पत्नी के नाम पर करीब 48 लाख रुपए की LIC की पॉलिसी भी है। राममोहन नायडू और उनके परिवार के सदस्यों के पास ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो चुनावी हल्फनामे में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 51 लाख रुपए बताई गई है। इतनी की ज्वेलरी उनके और उनके परिवार के पास है। अब बात करते हैं राममोहन नायडू की अचल संपत्ति के बारे में। तो चुनाव आयोग में जो जानकारी दी गई थी उसमें उन्होंने बताया कि उनके नाम पर करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए की एग्रीकल्चरल लैंड है, यानी कृषि योग्य भूमि। इसके अलावा 4 करोड़ 25 लाख 33,180 रुपए का एक आलिशान घर है। उनकी पत्नी के नाम पर भी 3 करोड़ रुपए की कीमत का एक फ्लैट है जो कि हैदराबाद में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।